आसक्ति बहुत खतरनाक चीज है साहब। इसलिए आप देखना, जो लोग चीजों को बदलते रहते हैं उनकी आसक्तियां कम होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर आपके संपर्क में कोई व्यक्ति ऐसा हो जो फौज में हो, आप देखना उनके ट्रंक तैयार होते हैं हमेशा, क्योंकि कब कहां बदली हो जाए, हर 3-4 साल में तो होनी होनी है, तो उनके पास सामान ज्यादा नहीं होता। दे आर रेडी टू मूव, उनके पास सामान ज्यादा नहीं है। और मैं सच कहता हूं, आप देखना वहां वैराग मिलेगा, थोड़ा बहुत वैराग तुमसे ज्यादा मिल जाएगा, तुमसे थोड़ा बहुत ज्यादा वैराग मिल जाएगा। अगर आपको वास्तविक वैराग के दर्शन में जाना, तो धीमे धीमे सामान और सामान के प्रति आसक्ति, सामान में हम अपने आपके लोग बाग भी शामिल है, घर बार बच्चे बूढ़े ये वो सब ये शामिल है, मैं मेरा तेरी सब शामिल है। और अगर आप इस प्रैक्टिस को धीमे 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 करते चले गए, तो एक दिन आपको वैरागी होने से कोई रोक नहीं सकता। और जिसके जीवन में वैराग आ गया, उसको परमात्मा न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न मिले, संभव ही नहीं है साहब। क्योंकि वो कह रहा है, जब तक तुम राग में हो, जब तक तुम मेरे से नहीं मिल सकते, मैं तुमसे नहीं मिल सकता। राग काम मद मोह लोभ मात्सर्य आदि इत्यादि से रचे पचे लोग उस तक नहीं जा पाते, क्योंकि उनको उसी में आनंद आता है। एक बार एक राजा मरने लगा, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, भैया तुम मर जाओगे, मालूम है मैं क्यों आया हूं? बोला, तुमने बहुत पुण्य करे, बहुत अच्छे अच्छे पुण्य कर्म करे, लेकिन तुमने एक पाप किया था, उसके वजह से तुम्हारा अगला जन्म शूकर का होगा। वो डर गया, कांप गया, उसके 4 पुत्र थे। बोला, नारद जी आपको, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप ये तो बता ही सकते हैं कि मेरा जन्म कहाँ होगा? नारद जी ने, हाँ मैं बता सकता हूँ तुम्हारा जन्म कहाँ और किस दिनांक किस स्थिति में कहाँ होगा। बोला, बस तुम बताओ। और अपने चारों बच्चों को बुलाया, चारों लड़कों को बुला के बोलता है, सुनो पुत्रों, ये बता रहे हैं नारद जी मेरा जन्म कहाँ होगा, बस मेरा जन्म इस समय इस स्थिति में हो रहा है, तुम्हें उस स्थिति में जाके तुरंत मुझे मार देना है, क्योंकि ये बता रहे हैं, उसके बाद फिर मुझे मनुष्य का जन्म मिल जाएगा, मैं शूकर के जन्म में रहना नहीं चाहता। अब आप विचार कीजिए साहब, सोचिए। वो राजा मर गया, उसके कर्मकांड की व्यवस्था उसके पुत्रों के द्वारा की गई, और जब 12वीं 13वीं वाला प्रोग्राम निपट गया, उसके बाद नए जन्म की जो तिथि थी, उस तिथि के अनुसार बताए मार्ग पर जाने के लिए चारों भाई सज्ज है, हथियार हाथ में, धनुष बाण आदि इत्यादि जैसे ही मिलेगा। बोला, पहचानोगे कैसे? बोला, सर पे एक सफेद स्पॉट होगा, पहचान लेना। नारद जी ने बोल दिया, यही तुम्हारा बाप है। अब शुगर के इतने सारे बच्चे, कोई एक तो होता नहीं है, बोला इतने बच्चों में कौन पहचानेगा, हमसे फालतू हिंसा क्यों हो? बोला, जिसके सर पे स्पॉट होगा वाइट, वो तुम्हारा बाप होगा, उसे मार देना, बच जाएगा वो बेचारा, शुगर की योनि से बच जाएगा, वरना विष्ठा खाएगा, गंदगी में पड़ा रहेगा। बोला, ना ना ना, हम अपने पिताजी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। सत्युग का दर्शन। इत्तेफाक की बात है कि देखो, समय का प्रभाव कि बारिश हो गई, बारिश का मौसम आ गया, तो नदी नाले चढ़ गए, तो उनको रुकना पड़ा, 2-3 महीने रुक गए, पिताजी के पास नहीं पहुंच पाए, तथाकथित जो सुवर हो चुके हैं। 3 महीने बाद वापस उस स्थान पे पहुंचे, तब तक तो जय जय हो गई थी, आराम से कीचड़ में जय, गंदगी और सब कुछ। अब वो बेचारे ढूंढे, इतने में एक भाई ने कहा, वो रहे पिताजी, विष्ठा खा रहे। तुरंत एक भाई ने बाण लेके खींच दिया, बोला, पिताजी सावधान। पिताजी ने दौड़ लगाई, अब दोनों तीनों उनके पीछे दौड़ रहे हैं, वो जुक 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 बड़ी तेजी से दौड़ रहे हैं। और दौड़ के जाके एक झाड़ी में छुपके जोर से चिल्लाता है, वो, मुझे मत मारो, अब मैं बड़े आनंद में हूं,
अब मैं आनंद में हूं, मुझे अब मरना नहीं है महाराज, अब मुझे इसी में आनंद आ रहा है। तो आप विचार कीजिए, हम थोड़ी देर किसी के वातावरण में आ जाते हैं, किसी माहौल में आ जाते हैं, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर कितना होता है, उसको उस गंदगी का प्रभाव भी अच्छा लगने लगा। हाँ आप ठीक है, आनंद आ रहा है। तो दोनों जगह अपना दर्शन है। अब आप देखिए आपको करना क्या है। किसी को सत्संग में आनंद है, किसी को कुसंग में आनंद है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस देह की प्राप्ति का जो मूल दर्शन है ईश्वर प्राप्ति है, वो मुक्ति है, वो मुमुक्षु हो जाना है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेना है। ईश्वर अर्थात उस मोक्ष के अलावा कोई दूसरा दर्शन ही नहीं है। उसका कारण समझिए, हम आए इस दुनिया में बहुत सारे प्रपंचों में जरूर फंस गए हैं, लेकिन लौट के वापस जाना है ये भूल ना जाना। जिस जगह से आए हो वहां वापस लौटना है, और वापस आत्मा ही लौटेगी, शरीर नहीं लौटेगा। लौटेगा ही तो साधन है, इसकी कैपेसिटी नहीं है। अरे तुम उचक के देखो, कौन से हवा में टंग जाओगे, तुम धड़ाम से नीचे गिरोगे, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो जो इसका जो शुभ दर्शन है, वैराग का जो दर्शन है, देखिए भरत जी के साथ ये घटना घटी। तो उन्होंने इस बार सोचा कि मैं ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा जिससे मेरा वैराग बेकार हो जाए। वैराग अगर बेकार हो गया तो संन्यास ना ले पाऊंगा, और सन्यासी होना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। लेकिन वो प्रक्रिया वैराग से ही आगे बढ़ेगी। तुम सोचो रातों रात तुम सन्यासी हो जाओ, संभव नहीं है। इसलिए वर्ण व्यवस्था का दर्शन है, इसलिए आश्रमों का दर्शन है कि तुम पहले आगे आगे बढ़ते जाओ, पीछे की कोई गांठ ना छूट जाए, वरना आगे की यात्रा बाधित हो जाएगी। सन्यास धर्म में तो इतना तक दर्शन है कि हाँ भैया आप सन्यासी हो बाबा जी, हाँ बाबा जी मैं सन्यासी हूं, तो ये बताओ कहां के रहने वाले हो। और उसने अगर ये बोल दिया ना फला फला गांव का, फला फला शहर का हूं, तो समझ लो उसका सन्यास है ही नहीं। सन्यास का मतलब तो उसको अपने गांव का नाम भी ना मालूम हो, और लौट के जीवन में कभी अपने गांव ना जाए, उस दिशा में ना जाए, वह सन्यासी, सच्चा सन्यासी। और अगर मैं सन्यास धर्म में जाऊं तो वहां तो बड़े बड़े दर्शन है महाराज, ये तक लिखा है कि जिसने सन्यास एक बार ले लिया वो किसी रिहायश गांव में नहीं जा सकता, जहां लोग रहते हैं वहां प्रवेश वर्जित है, उसको मुर्दा माना गया है, वो जीते जी अपना हिसाब किताब कर चुका होता है। अब आजकल का दौर अलग है, अब तो 21वीं सदी है, ड्राइंग रूम में भी सन्यासी बैठ रहे हैं, लोग बैठा रहे हैं वो बैठ रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। सन्यासी को शीशा तक देखना वर्जित है, लेकिन तो यहां जिस मुक्ति की, जिस वैराग्य की हम चर्चा में, उसे समझना बहुत जरूरी है, उसे जानना बहुत जरूरी है। ध्यान रखिएगा, आपको प्रकृति अगर आध्यात्मिकता की ओर खींच रही है, चाहे आपके बच्चे आपको इंगित कर रहे हो, चाहे आपकी पत्नी कर रही हो, चाहे आपका पति कर रहा हो, चाहे आपका गुरु कर रहा हो, अध्यात्म की ओर खींच रहा है, आप ये समझ लेना ना कोई खींच रहा है ना खिंचवा रहा है, ईश्वर तुम्हें धकेल रहा है, तुम ईश्वर का कहना मानो, ये ईश्वर की इच्छा है, तुमसे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोचा है परमात्मा ने, तुम्हें उस गड़बड़ भीड़ से हटाना चाहता है, वो उससे हट जाओ, जीवन का कल्याण हो जाएगा, अनंत अनंत कल्याण हो जाएगा। बस समझने वाली बात है।